लेकिन रामलीला हर साल लोग देखते हैं, और केवल देखते ही नहीं, उसमें डूब 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 जाते हैं। तो विदेशियों को ये बात आज तक समझ में नहीं आई कि इस राम कथा में है क्या ऐसा, ये क्या है? आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। एक भक्त ने बहुत लंबा चौड़ा मैसेज लिखा और बड़े ज़बरदस्त ढंग से मैसेज लिखा, और उस संदेश में उन्होंने क्या लिखा कि उत्तरकांड की रामचरितमानस आप आखिर बना क्यों रहे हैं, इसे देखता तो कोई है नहीं, मुश्किल से आपके 2000 व्यूअर होते हैं देखने वाले, तो फिर बना क्यों रहे हैं। उन्होंने कहा कि वे राम भक्त हैं और अब से पहले के रामचरितमानस के उन्होंने सारे एपिसोड देखे और सभी में एक मज़ा था, एक रस था, एक सस्पेंस था, एक मसाला था, लेकिन अब इसमें कुछ है ही नहीं, बस जिसे देखो वही आकर राम जी के गुणों का गुणगान कर रहा है। अरे भाई, हमें सब पता है राम के ये गुण, और उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जहाँ पर मन टिके। तो इतने उबाऊ, बोरिंग आप राम कथा अब क्यों कह रहे हैं, क्या उद्देश्य है अब कहने का, जबकि कोई देख भी नहीं रहा, किसी और विषय पर बनाइए। उन्होंने बताया मुझे, उन्होंने कहा कि रोटी कैसे बनाएं, इस पर हज़ारों वीडियो हैं और हर वीडियो के करोड़ों में व्यू हैं। क्या किसी को रोटी बनाना नहीं आता? सबको आता है, लेकिन फिर भी उसमें मसाला है रोटी बनाने वाला, उसको लोग देख लेते हैं, लेकिन ये राम कथा, राम के गुण इतने उबा चुके हैं हमें कि राम भक्त होने के बाद भी मैं इसे आगे नहीं देखता हूँ। बस ठीक है, थोड़ा बहुत चलाता हूँ आपका, देख लेता हूँ, फिर लगता है क्या कुछ मज़ा नहीं आ रहा। आज इसी नामज़े की बात पर, इसी बोरिंग होने की बात पर, इसी ऊब पर आज भवानी कुछ कहेंगी। ये बात बड़ी गहरी बात है। संयोग से देखो, आज भवानी का वही प्रसंग चलने वाला है, पार्वती शिव से वही बात कहने वाली हैं और हनुमान जी ने ऐसा संदेश भिजवा दिया। कहीं ना कहीं व्यवस्था कैसे काम करती है ये देखिए। उसके मन में रहा होगा बहुत समय से, तड़फड़ा रहा होगा, वो कह नहीं पा रहा होगा, तो हनुमान जी ने उसे मारा एक धक्का कि तू बोल ही देना, क्या फर्क पड़ता है, यहाँ सब अपने अपने मन की बोलते हैं, तो तू भी बोल दे। उसने बात बोल दी। अब आज इस विषय पर भवानी बताएंगी कि ऐसा क्यों होता है कि कई बार पूजा करने से, मंत्र जाप करने से या प्रभु का गुणगान करने से मन उकता जाता है, मन बुरी तरह से बेचैन हो उठता है कि और कितना गुणगान करें, ऐसा क्यों होता है, आज इस पर बात होगी। तो पहले चलते हैं ये सुनने के लिए कि भवानी आज शिव से क्या कह रही हैं। कल उन्होंने बड़े मधुर वाणी से अपनी बात आरंभ की थी, क्योंकि भगवान शिव ने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि भवानी, जितना भी मैं राम के विषय में अपने इस बुद्धि से जानता था, इस मति से, वो सब मैंने तुमसे कह दिया है। राम के अनंत गुण हैं, कोई नहीं कह सकता, अब तुम ही बताओ मैं और क्या कहूँ। अर्थात भगवान शिव भी विवश हो गए हैं, कहते मेरे बस का नहीं है और कि राम के गुणों का मैं बखान कर सकूं, जितना जानता था सब कह डाला। अब भगवान शिव की यह बात सुनकर भवानी बहुत प्रसन्न हुई और बहुत ही मधुर स्वर में, मीठे स्वर में क्या कहती हैं भगवान शिव से। धन्य धन्य मैं धन्य पुरारी, कहती हैं हे त्रिपुरारी, धन्य धन्य, देखो बार बार धन्य धन्य, यानी मैं इतने धन्य हो गई हूँ कि मैं बता नहीं सकती, बारंबार धन्य धन्य का यहाँ पर उपयोग किया गया है। धन्य धन्य मैं धन्य पुरारी, सुनहु राम गुण भव भय हारी, जो मैंने राम के इन गुणों को सुना। कैसे हैं ये गुण?
जो जन्म और मृत्यु के भय से मुक्त करने वाले हैं। इन गुणों को मैंने सुना, हे त्रिपुरारी, मैं धन्य हूँ, मैं धन्य हूँ, मैं धन्य हूँ। कितनी धन्यता से भवानी भर गई है। यह घोषणा उनके इन तीन बार धन्य धन्य कहने से प्रकट हो गई है। आगे क्या कहती हैं? तुम्हारी कृपा कृपायतन अब कृत कृत्य न मो। तुम्हारी कृपा, आपकी कृपा, हे कृपायतन, हे कृपा के घर। भगवान शिव को क्या कह रही हैं कि आप तो कृपा के घर हैं, आपकी इस कृपा से अब कृत कृत्य ना मोह, मैं कृत कृत्य हो गई हूं और अब मुझ में कोई मोह नहीं बचा, मोह नहीं बचा, पहले इसको समझ लीजिए। पार्वती कह रही हैं स्वयं कि कहीं ना कहीं भीतर मैं मोहग्रस्त थी। मोहग्रस्त क्या? संशयग्रस्त। जैसे पहले सती थी, सती ने तो अपना मोह प्रकट कर दिया था, लेकिन पार्वती ने प्रकट नहीं किया, भीतर ही भीतर कहीं ये मोह था। मोह क्या? ये संशय था। क्या संशय? कि क्या ये राम, वे ही पर ब्रह्म राम हैं जिनकी मेरे स्वामी शिव आराधना कर रहे हैं, ये वही राम है क्या? तो ये उनके मन के किसी गहरे कोने में कहा नहीं, लेकिन यहां पर स्वयं कह दिया अब भवानी ने, क्या? कि मैं कृत कृत्य हो गई हूं और अब मुझ में मोह नहीं रहा। अब नहीं रहा इसका मतलब क्या? पहले था, और पहले था तो भगवान शिव ने देख लिया था। कुछ कहा नहीं पार्वती ने कभी भी, लेकिन उनकी भाव दशा से, जिसे अंग्रेजी में बॉडी लैंग्वेज कहते हैं, वो बॉडी लैंग्वेज सब बता रही थी। शिव सब झांक रहे थे भीतर पार्वती के, कि कहीं ना कहीं किसी कोने में कुछ न कुछ तो अंधियारा है। तो उजियारा फैलाया उन्होंने और पार्वती धन्य हो गई। कहती अब मुझ में कोई मोह नहीं रहा, कोई भी मोह। जाने हूं राम प्रताप प्रभु चिदानंद संदोह। कहती हैं कि अब मैं प्रभु श्री राम के इस प्रताप को, वे जो चिदानंद स्वरूप हैं, उनके इन गुणों के समूह को, उनके इस प्रताप को अब मैं जान गई हूं। पहले नहीं जानी थी, देख लो। जब देख लिया कि भगवान शिव भी हार मान चुके हैं, कह चुके हैं कि बस मेरे बस का नहीं कि और मैं राम के गुणों का गुणगान कर सकूं, अरे जितनी समझ थी, जितनी मति थी, उसके अनुसार, मति के अनुसार मैंने सब कह डाला, अब और कुछ नहीं कह सकता। और उसी संबंध में भवानी कह रही हैं, जाने हूँ राम प्रताप प्रभु चिदानंद संदोह, कि मैं सचिदानंद स्वरूप प्रभु श्री राम के इन गुणों को, इन गुण समूहों को, उनके प्रताप को सब जान गई हूँ, अच्छी तरह से जान गई। नाथ तवानन शशि स्रवत कथा सुधा रघुबीर। भवानी कितनी सुंदर उपमा लेकर आई है। क्या कह रही है कि नाथ तवानन, तवानन अर्थात आपका मुख, आपका आनंद। हे मेरे स्वामी, आपका जो मुख मंडल है ये कैसा है? ये चंद्रमा के समान है। शशि चंद्रमा के समान। नाथ तवानन शशि, आपका जो ये चंद्रमा के समान मुख है ना, उससे क्या झर रहा है? अमृत। चंद्रमा अमृत बरसाता है, अमृत की वर्षा होती है, सोम की वर्षा चंद्रमा से। अब भगवान शिव के मुख को चंद्रमा कहा, तो कौन सा अमृत उनके मुख से बरस रहा है? कौन सा अमृत? स्रवत कथा सुधा रघुवीर। ये जो रघुवीर जी की कथा है, ये जो राम की कथा है, राम कथा रूपी अमृत आपके इस चंद्रमा रूपी मुख से झर रहा है। इतनी सुंदर यहां पर उन्होंने उपमा की है, अति सुंदर, जो सामंजस्य बिठाया कि भगवान शिव का मुख चंद्रमा के समान, और वो जिस अमृत की वर्षा कर रहा है, क्योंकि वो कथा सुना रहे हैं भगवान शिव भवानी को,
तो वो जो कथा सुना रहे हैं वो राम रस रूपी अमृत बरस रहा है। अब वो अमृत पी कौन रहा है, बरस रहा है? तो श्रवण कान पी रहे हैं। भवानी कहती है कि वो जो अमृत की वर्षा आपके मुख से हो रही है ना, उनको मैं कानों के माध्यम से पी रही हूँ उस अमृत को। श्रवण पुट नहीं मन पान करी नहीं अघात मति धीर। और बारंबारी जो अमृत बरस रहा है इसको मैं कानों से पी रही हूँ और मेरा मन तृप्त हो रहा है। हम कोई भी चीज़ पीते हैं तो जीभ से पीते हैं, मन तृप्त होता है। पार्वती क्या कह रही हैं कि मैं कानों से इस अमृत को पी रही हूँ, किसके? राम कथा रूपी अमृत कानों से पी रही हूँ। मन पान करे और मेरा मन उसका पान कर रहा है, उसे पी रहा है। नहीं अघात मति धीर, हे मति धीर। भगवान शिव के लिए भवानी यहाँ पर जिस शब्द का उपयोग कर रही हैं, विशेष रूप से कर रही हैं, उनको कह रही हैं हे मति धीर, मेरा वह मन जो आपके इस चंद्रमुख से बरसते हुए राम कथा रूपी अमृत का पान कर रहा है, वह अघाता अघा नहीं रहा है, अर्थात तृप्त ही नहीं हो रहा है मति धीर। ऊपर भगवान शिव ने कहा था पहले भवानी से, मैं सब कही मोर मति जथा। मैंने भगवान राम के उन सभी गुणों का वर्णन कर दिया है, मोर मति जथा, जितनी मेरी मति है, जथा जितनी है उतनी से, जितनी है ये नहीं बताया, कहने का अभिप्राय ये कि बहुत थोड़ी सी है। लेकिन यहाँ पर भवानी क्या कहती है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है मेरे स्वामी कि आप ये कोई थोड़ी सी मति है, आप तो मति धीर हैं। कितनी गहराई है देखो इन बातों में, कि भगवान शिव की उस बात को यहाँ पर भवानी ने अलंकृत किया है ये कहकर कि आप की कोई छोटी बुद्धि नहीं है, अरे आप तो मति धीर हैं। मति धीर माने कि जिसकी बुद्धि सदा स्थिर रहती हो, मति में सारी बुद्धियाँ आ जाती हैं, वो सदा स्थिर रहती हो, कि आप तो मति धीर हैं। और आपने जो कथा सुनाई है ना मुझे प्रभु श्री राम की, तो बरसता हुआ अमृत है जो मेरे मन ने इस इन कानों के माध्यम से पिया, उसका श्रवण किया और ये तृप्त नहीं हो रहा, तृप्त ही नहीं हो रहा। नहीं अघात, अघा नहीं रहा है, तृप्त नहीं हो रहा है। और अभी उन भक्त ने क्या कहा कि हम तो राम जी के इन गुणों को सुन सुन के बोर हो गए हैं, वही वही बातें, वही वही सब कुछ दोहराना, कितने सुने राम के गुण, हमको सब पता है। तो वे ऊब गए, बोर हो गए, खींच गए। लेकिन भवानी क्या कह रही है कि मैं तो तृप्त ही नहीं हो रही, क्या कारण है? कोई तो कारण होगा ना कि भवानी तृप्त नहीं हो रही। भवानी मतलब क्या कि एक ऐसा भक्त जो भगवान का नाम सुमिरन करते करते उत्साहित 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 और उत्साहित होता है, निरुत्साहित होता ही नहीं, ऊबता ही नहीं, बोर ही नहीं होता, हर्षित रहता है, प्रसन्न रहता है, प्रसन्न होकर नित गुणगान करता रहता है। और तुलसीदास जी तो कहते ही हैं कि जो राम कथा है ना, ये नित नूतन है, राम कथा नित नूतन, हर रोज नई है, पुरानी है ही नहीं, इतनी नई है। अभी कैसे नहीं है, इसका एक मैं प्रसंग सुनाता हूँ छोटा सा, कि जिन दिनों भारत में विदेशी आक्रमणकारियों का राज था, अंग्रेजों का राज और उससे पहले मुगलों का राज, तो वे सब एक बात सोचते रहते थे, समझ नहीं आती थी उनको, बड़े सोचा। क्या सोचा? वे कहते थे कि हम देखते हैं कि आपके यहाँ हर साल रामलीला होती है, हर साल। और वो कहते थे कि हम हैरान हैं देख के कि ये कहानी सबको पता है कि अब क्या होना है, अब क्या होना है, इसके बाद क्या होना है, कौन क्या करेगा, कौन क्या संवाद बोलेगा, ये तक पता है, किसका डायलॉग क्या आने वाला है, सब कुछ पता है। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि जो रामलीला देख रहे हैं वे भक्त रो रहे हैं प्रसंग को देखकर, उनका रोना ही नहीं रुकता, उनकी अश्रुधारा ही नहीं थमती,
शरीर रोमांचित और पुलकित। ऐसा क्या है इसमें? वही कथा, वही स्टोरी। हमारा कोई एक प्ले होता है या कोई एक फिल्म होती है, आदमी दोबारा उसे देखने नहीं जाता। वो कहता है देख लिया, अब क्या करना है देखकर, दोबारा क्या करनी है देखकर। आप स्वयं अपने जीवन में देखिए कि एक फिल्म अगर आपने देख ली, बहुत मुश्किल हुआ तो आप उसको दो बार देख लेंगे, बहुत अधिक हुआ तो तीन बार देख लेंगे, चौथी बार आप कहेंगे इसमें देखने जैसा है क्या। लेकिन रामलीला हर साल लोग देखते हैं, और केवल देखते ही नहीं, उसमें डूब 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 जाते हैं। तो विदेशियों को ये बात आज तक समझ में नहीं आई कि इस राम कथा में है क्या ऐसा। ये एक ऐसी कथा है जिसे सब जानते हैं, बच्चा बच्चा जानता है, लेकिन उसके बाद भी जब रामलीला आती है तो ऐसे सुनता है जैसे आज से पहले कभी ये सुनी ही नहीं, प्रथम बार सुन रहा हो, फर्स्ट टाइम, पहला शो हो इसका, प्रीमियम शो हो, ऐसा ऐसा अनुभव करता है वो, बिल्कुल नूतन। तो बोर तो वो होने की संभावना ही नहीं है जब पहले दिन पहली फिल्म का पहला शो देखोगे। तो ये बात कभी उनको समझ में नहीं आई, और ये हमें भी समझ में नहीं आई। ये मत समझ लीजिएगा कि हम कह रहे हैं वो विदेशी लोग थे तो वे इस रहस्य को नहीं जान पाए, उनकी मजबूरी, उन बेचारों को क्या पता भक्ति क्या होती है, भक्ति का तो सारा ठेका हम भारतीयों के पल्ले ही पड़ा है, हम ही इसके ठेकेदार हैं भक्ति के, तो वो क्या जाने ना, हमें भी नहीं पता कि राम कथा सारी ज्ञात होने के बाद भी जब हम रामलीला देखने बैठते हैं तो हम उसे ऐसे क्यों देखते हैं जैसे पहली बार देख रहे हों। यही तो रहस्य है, यही तो लीला है राम की, और है क्या। आगे भवानी और क्या कह रही हैं वे सुनते हैं। भवानी शिव से कह रही है कि संसार में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे, जो राम की कथा को सुनकर तृप्त हो जाते हैं। राम चरित्र जे सुनत अघाही, बहुत हैं ऐसे लोग जो राम की कथा सुन के तृप्त हो जाते हैं। अभी थे ना जिन भक्त का मैं जिक्र कर रहा था, वे तृप्त हो गए राम की कथा को सुनकर। अब तृप्त हो गए ये कोई सकारात्मक नहीं है, ये पॉजिटिव वे में नहीं कह रही हैं भवानी। तृप्त होना क्या कि आपको भोजन खिला दिया, आप कहें भाई तृप्ति हो गई बस और नहीं चाहिए, हम कहें और ले लो भैया, आप कहेंगे अरे नहीं लेना ना तृप्ति हो गई, हम कहें अच्छा थोड़ा सा तो ले लो, वो कहेंगे पगला गए हो क्या, थोड़ा सा ले लो, अरे बोले है ना तृप्त हो गए तब और नहीं चाहिए। तो वही भवानी कह रहे हैं कि कुछ लोग होते हैं जो राम कथा से तृप्त हो जाते, कहते बस बहुत सुन लिए राम के गुण, बंद करो बस, अब कोई राम वाम के गुण नहीं चलेंगे, हमें सब पता है कौन से राम जी में गुण है, बस बंद करो। जैसे अभी वो सज्जन कह रहे थे कि बहुत हो गए राम के गुण, अब ये जो उत्तर कांड है ना, इसे आप प्रभु क्यों आगे बढ़ाए जा रहे हैं, कोई देख नहीं रहा, इसे सुन नहीं रहा, दो चार इक्के दुक्के आदमी सुन रहे हैं, फिर आप क्यों इसे चलाए जा रहे हैं। तो ये कौन से लोग हैं जिन्हें भवानी कह रही, जो तृप्त हो जाते हैं। रामचरित्र जे सुनत अघाही, रस विशेष जाना तिन नाही। कहती हैं भवानी शिव से कि जो राम की कथा को सुनकर तृप्त हो गया, जान लो कि उसने राम का रस तो जाना ही नहीं है, जाना ही नहीं। जो सदा अतृप्त रहते हैं राम कथा को सुनकर, जो कहते हैं अरे अभी तो तृप्ति नहीं हुई, थोड़ा और, थोड़ा और, थोड़ा और उनका ये थोड़ा और कभी पूरा होता ही नहीं। वे कहते राम की कथा कहते ही रहे, कहते ही रहो, कहते ही रहो। अनेक भक्त क्या कामना करते हैं कि हमें मोक्ष नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए मोक्ष, पुनर्जन्म चाहिए, लेकिन उसके साथ एक शर्त है, टर्म और कंडीशन है, राम जी से कहते हैं कि हमें कहीं पर किसी भी योनि में जन्म दे दो, लेकिन आपकी राम कथा हमें निरंतर सुनने में आती रहे, अपनी कथा के रस से हमें दूर मत कीजिएगा, बस हम देह भी धारण करना चाहते हैं तो इसीलिए कि आपकी कथा को निरंतर सुन सकें। तो क्या कह रही हैं भवानी,
कि राम कथा में एक विशेष रस है। समझ लीजिए, जो तृप्त हो गए उन्होंने उस रस को जाना नहीं, यही वह रस है जो रामलीला हर बार देखने पर प्राप्त होता है, यही वह रस है। इस रस का नाम है राम रस। राम रस पिया रे, राम रस पिया रे, जिह रस बिसर गए रस और जी। जिसने ये रस पी लिया उसके बाकी सब रस फिर बिसर जाते हैं, अपने आप बिसर जाते हैं, बिसराने नहीं पड़ते, स्वयं बिसर जाते हैं। और ये जो राम का रस है ये स्थाई रस है, ये कभी समाप्त नहीं होता, कभी इससे तृप्ति होती ही नहीं। तो राम कथा सुनकर यदि तृप्ति हो गई तो भवानी कह रही है इसका अर्थ है कि सुनने वाले ने जो राम कथा का विशेष रस है उसे जाना ही नहीं, उससे उसका साक्षात्कार हुआ ही नहीं, उसने उस अमृत का स्वाद चखा ही नहीं। जीवन मुक्त महामुनि जीऊं, हरिगुण सुन ही निरंतर त्यों। क्या कह रही है भवानी? कहती है जन सामान्य की बात छोड़ दीजिए प्रभु, भगवान शिव से कह रही हैं कि मैं साधारण मनुष्य की बात कर ही नहीं रहे, उसकी क्या बात करनी, साधारण मनुष्य ही है, उसकी कोई बात नहीं की जा सकती क्योंकि उसका कोई अस्तित्व नहीं है, उसकी कोई पहचान नहीं है अपने। जब भी हमें कोई उदाहरण देने होते हैं तो पीक से देते हैं, क्लाइमैक्स से देते हैं, सबसे उच्चतम शिखर से देते हैं उदाहरण, वहीं से देने होते हैं। और वहीं से भवानी उदाहरण दे रही हैं, कह रही है कि देखो मैं जन सामान्य की बात कर ही नहीं रही प्रभु। किसकी बात कर रही हूं? जीवन मुक्त महामुनि जीव, ऐसे अनेक महामुनि हैं जो जीवन मुक्त हो चुके हैं, अर्थात जन्म मरण के बंधन से मुक्त हैं। अनेक महामुनि ऐसे हैं जिन्हें जन्म मृत्यु का भय भी नहीं। अब जो मुक्त हो गए, जिनको जन्म मृत्यु का भय भी नहीं, उनकी क्या मजबूरी है कि वो राम का नाम ले? बताइए क्या मजबूरी है? मजबूरी तो उनकी है ना जो जन्म मरण के बंधनों में फंसे हुए हैं। मरता क्या न करता राम का नाम लेना ही पड़ेगा भैया, लेना ही पड़ेगा। उनकी तो कोई मजबूरी ही नहीं है, कोई व्यवस्था ही नहीं है। तो भवानी क्या कह रही हैं? जीवन मुक्त महामुनि ज्यों, हरिगुण सुनहि निरंतर त्यों। वे भी निरंतर हरि के गुणगान सुनते रहते हैं जो जीवन मुक्त हो गए हैं। ऐसे महामुनि भी निरंतर राम जी का भजन करते रहते हैं, उनके गुणों का स्मरण करते रहते हैं, कोई तो बात होगी ना। और स्वयं भगवान शिव भी तो मुक्तेश्वर हैं, वे मुक्तेश्वर सदा ध्यान में राम का ही स्मरण करते हैं, राम का ही ध्यान धरते हैं। तो क्या है? भवानी कहती है वो विशेष रस है। जिसे उस विशेष रस की प्राप्ति हो गई वह कभी राम कथा से तृप्त हो ही नहीं सकता, सदा अतृप्त रहेगा। और यह अतृप्ति ही उसका सबसे बड़ा पुरस्कार है। अर्थात क्या? कि जो अमृत का तत्व था, जो राम की सुगंध थी, जो राम की सुवास थी, वो उसे मिल गई। और राम की सुवास से भला कभी कोई अघाया है, कोई तृप्त हुआ है? नहीं, कोई नहीं हो सकता, कोई नहीं। जीवन मुक्त मुनि नहीं हो पा रहे तो जन सामान्य की तो बात क्या करें। तो अपने मन से कहिए कि मन रे राम सुमिर, मन राम सुमिर। ये जो अमृत की वर्षा जो भवानी के कानों से होते हुए उसका मन पी रहा है, उस मन की सुन मेरे मन, तू भी उस भवानी के मन की सुन, उस भवानी के मन के साथ तू भी एकाकार हो जा और तू भी इस राम कथा की सुधा का पान कर, और पान करने के बाद कभी तृप्त मत हो जाना, लेकिन कभी तृप्त मत हो जाना। राम राम।